डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे रामचंद्र जी ठकराल। ठीक है, सांसद महोदय सुशील गुप्ता जी, हरियाणा प्रदेश की आन बान शान और सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष भाई नवीन सिंह, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की। भाई कोई बीजेपी कांग्रेस का बैठा होता है बेशक आप खाई हो, आम आदमी पार्टी वाला अगर कोई अड़ा बैठा है तो दोनों आठा गए मुट्ठी बंद करके ये नारे बीजेपी वाला के कानना में गजाने चाहिए। आसपास देख भी लियो और कुल बीजेपी का बैठा है कांग्रेस का ही पिछाड़ में आ जाएगा। भारत माता की। एक सीधा हो ईपी कुछ आदमी मैंने दिखा हाथ भी उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी को हरियाणा में यहां पर पहुंचने पर बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली मार के कर दू। हमारी आसी टीम से मनोज राठी साहब, विक्रांत भाई और पूरी टीम को एक सफल सम्मेलन के लिए बधा दूंगा। देखो जी, एक एक बात ध्यान से सुनी, भाषण नहीं लूंगा करती, एक एक बात ध्यान से सुननी है और सोचियो उस बात ने। आज लोग आप इतने लोग यहां पर अस्सी हल्के से आए हुए हो, 22 बीजेपी सरकार का राज्य हो तुम, ये बताओ आधार ठाकुर बताओ, ये जो मीडिया वाले साथी है भाई साहब यहाँ प्रेम कर ले दोनों ठाकुर बताओ, वो राज्य भी है इन पर दिल्ली में भाई साहब सरकार बनी थी 4.5 साल हुए हैं, जो ये काम आदमी के काम होते हैं, जो एक गरीब आदमी के लिए काम होता है वो काम करके दिखाया। बहुत बात नहीं है, आम आदमी का चुनाव लड़ा होंगे जो कति आम आदमी है। भाई राठी साहब की दया आइए, भाई भाई एक बात बताओ, जो राठी गुंडाला का है ये शकल ढूंढी है, इसका बाबू दादा है एमएलए एमपी नारायण, इसकी गलती है। जय भाई तब मैं कहते हो अतंतर मंत्र धंतर राठी की कहला हो तो राठी नहीं पेट कटने के दावासी जी बताओ, हाँ बताइयो, ये प्रेरण बीजेपी का नहीं बैठे प्रेरण आदमी आठवीं ठा रहे कुछ छोड़ो भाई, जो मान लो इंद्र की ब्रह्मा की सुखाई है झूठ नहीं का खाना जा रहा है। भाई मनोज राठी ना तो बहुत चुनाव आसी था तेज रुका माना बड़ा मीडिया वाले साथी ने देखा आप लोगों ने, आप लोग अगर साथ लग जाओगे सारे के सारे ईमानदारी का
तो भाई साहब इनका खुद का पाड़ देंगे बीजेपी कांग्रेस पार्टी का मतलब। दिल्ली के अंदर कोई दुकान आप कोई धोची कोई मास्टर इसे इसे बड़े हमारे साथ न्यू मत मान जाइयो। इन चोरों चुका रुपये इकट्ठे कर रखे हैं, अगर रुपये उन द्वारा गणे हैं तो हमारा कैंडिडेट कमजोर है। मानसा की माया है, अगर रुपये की माया नहीं होती ठीक है ना भाई साहब। तो आप लोगों ने देखना पड़ेगा न्यू देखा जो काम आदमी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़के जीत सकता है भाई साहब जीत सकता है। मेरे जितने भी यहां पे चाचा तारू भाई बहन माताएं बहने जो भी आई हुई है अगर मैं गारंटी देता हूं। मैं इससे पहले आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की हरियाणा की या दिल्ली की बात करूं उससे पहले मैं हांसी के विषय में बात करना चाहूंगा। हांसी के अंदर खट्टर साहब के आने के बाद में कानून व्यवस्था कुछ ज्यादा खराब हुई। बहुत पुरानी मांग हांसी के निवासियों की हांसी को जिला बनाने की रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि सरकार में हमारी पार्टी आएगी या जहां से हमारा विधायक मनोज गांधी को आप चुनकर भेजेंगे तो आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश करके हांसी को जिला जरूर बनवाएंगे। हांसी पुराना ऐतिहासिक शहर है, जितनी तरक्की हांसी की अब तक होनी चाहिए तो नहीं हो पाई। वैसे तो पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं और कितनी करनी है आपने? आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 12 सीटें हमने अपनी चयनित कर ली है, उसमें से आज ये दूसरी सीट हांसी में आके घोषित की है। 2 दिन के अंदर हम 12 सीटें पूरी घोषित कर देंगे और आगामी कड़ी के अंदर ऐसे कर करके हम 20-20-30 सीटें छाट रहे हैं हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए। खट्टर साहब ने जिस प्रकार हरियाणा के अंदर भाईचारे को खत्म कर दिया है, हरियाणा में शिक्षा और चिकित्सा को 0 स्तर पर पहुँचा दिया है। कोई बाद में बीमार हो जाए तो दिल्ली से पहले जान बचाने की यहाँ पर रास्ता नहीं मिलता। ऐसी सरकार को ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए और दिल्ली की तरज पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास दिल्ली के अंदर किया है, चाहे महिलाओं के लिए हमने फ्री यात्रा करी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, वो सारी व्यवस्थाएँ हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर कर गेहूँ का रेट हमने 2600 रुपये रखा, हमने 1 करोड़ रुपये जवान को सम्मान राशि। ये सारी बात आपने दोहराई है मंच पे, तो बताइएगा मनोज राठी में विनिंगबिलिटी कितनी देख रहे हैं? मनोज राठी बहुत मजबूत उम्मीदवार है, 100% जीतेगा। पूरी जनता ने आज आपके सामने हाथ खड़े करके इनको आशीर्वाद देने का वचन दिया। इनके अंदर क्या देखा आपने कि जो विनिंगबिलिटी? मनोज राठी बहुत समझदार व्यक्ति है, समाज के लिए लड़ता रहा है, हांसी के लोगों के लिए पहले इनका परिवार पूरी लड़ाई लड़ रहा है। जब पुलिस की बबरता यहाँ पे हुई इन्होंने लगातार प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हांसी को जिला बनाने के लिए भी बार बार इनकी निवेदन यहाँ से गई है। खट्टर साहब से मुकाबला लगातार करते रहे और इस विधानसभा में आमने सामने की लड़ाई लड़े। अब की बार 77 पार नहीं हो 74 पार का नारा है बीजेपी का, तो आप उसमें ब्रेक लगाएंगे क्या? 75 पार के 70 पार के तो बीजेपी ने सारे बूढ़े आउट कर दिए और ये तो अब ये नारा यहाँ से आउट होने के लिए है, यहाँ रहने के लिए नहीं है, इनका आउट होने का नारा है। आम आदमी पार्टी किसी बूढ़े को टिकट नहीं देगी क्या? आम आदमी पार्टी बुजुर्गों का सम्मान करती है, परंतु नौजवान लड़ने के अंदर ज्यादा सक्षम होते हैं। हम छाट छाट के नौजवानों को टिकट दे रहे ताकि व्यवस्था बदलने का काम, जैसे दिल्ली के अंदर नौजवानों की हम सरकार लेकर आए, नौजवान विधायक लेकर आए और बहुत कम समय के अंदर दिल्ली सरकार ने बता दिया कि सरकूल बदल सकते हैं सरकार की नीयत ठीक हो। नौजवान व्यक्ति में हौसला होता है, वो हौसले के साथ मनोज राठी काम। हरियाणा में अकेले लड़ोगे किसी के साथ? अकेले कोई गठबंधन नहीं। लास्ट स्टेज पे कोई बैसाखी की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं नहीं, बैसाखी हम लोगों को देते हैं, लेते हैं किसी के लिए पीछे भी दी थी। बीजेपी का कहना है कि समान विकास करवाया पूरे हरियाणा में,
विकास क्या करवाया, सम्मान तो बराबर ही है क्योंकि कहीं नहीं कराया तो सम्मान समान है। एक फैक्ट्री नहीं लाई, एक रुपए की नई इन्वेस्टमेंट आई, महिला बेची पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या रेप रोक सके? बार बार लोगों के जो आंदोलन किसी नाम पे इन्होंने कराए और लोगों ने पाला है, इनकी यहाँ से सोची लोगों के बच्चों को कहीं ना कहीं गोलियां लगी, क्या सरकार कानून व्यवस्था बना पाई? खट्टर साहब ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भाईचारा बढ़वाने के लिए। एक नारा लगाते हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बीजेपी वाले हरियाणा एक कर देते तो बात ही खत्म थी। हरियाणा को बांट दिया, अंग्रेजों वाले शासन पे चले, फूट डालो राज करो। आज हरियाणा के अंदर इन्होंने भाईचारा बहुत गति से करा। लोकसभा में आपकी जो दुर्गति हुई है उसका क्या मतलब? देखिए, लोकसभा का चुनाव हम कहीं नहीं लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी और मोदी के बीच में था। अरविंद केजरीवाल जी इस दफा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम चुनाव लड़ रहे थे मोदी को रोकने के लिए। वो नहीं रुका अलग बात है, क्योंकि देश की सेना के नाम को इस्तेमाल किया, देश के लिए काम नहीं किया। आज पेट्रोल और डीजल के भाव देखो आसमान छू चुके हैं, आज रुपया देखो डॉलर के मुकाबले में लुढ़क के 73 रुपये पार कर गया है। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से नीचे चली गई है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के सरकार जो मर्जी बोलते रहे, सरकार की मजबूती दिखते कि सरकार का रुपया कितना मजबूत है, सरकार की मजबूती दिखते कि उसके नागरिक कितने मुस्कुराते हुए हैं। क्या हरियाणा के लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं? क्या हरियाणा के लोगों को, हांसी के लोगों को कानून व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है? क्या यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है? अरे हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया, और आज ये एक समान की बात करते हैं, एक समान कर दिया इन्होंने, सब कुछ मिटा कर। गुप्ता जी, ये इश्यूज तो पहले भी थे, और आप खट्टर के रथ को कैसे रोकेंगे, आशीर्वाद यात्रा को कैसे रोकेंगे? देखिये, मोदी को नहीं रोक पाए, खट्टर के रथ को रोक दिया हरियाणा के जनता ने। जिस प्रकार हरियाणा की जनता को इन्होंने बांट के रख दिया, इसी प्रकार खत्तर का रथ टूट के पहिए निकल चुके। कितनी सीटें जीतने का दावा आपका हरियाणा में? सरकार बनाएंगे तो सीटें कितनी? अरे सीटें जितनी भी आए सरकार हमारी बने, मेजोरिटी में जो स्थापे हैं वो समर्थन के चुनाव या आप कार्यकर्ताओं को देंगे? देखिए, सीनियर लीडर तो हम तो 5 साल पुरानी पार्टी है, हम तो सुनिए सारे कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री से लेके और एक मेन वार्ड के कार्यकर्ता तक हमारे सारे कार्यकर्ता ही है, सीनियर हमारे यहाँ है। भाई साहब, कोई भी पैर गया मतलब खंडवा खा पंचायती हो गया, सुनते लो ना चाचा, सुनते ले कोई भी आदमी आगे ने जाकर खा पंचायतों के नाम से इस तरह करे। हरियाणा की जो खा पंचायत है बहुत सियाणी है, समझदार है, उनको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए खा पंचायतों का नाम लेना मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए। और जो सियाणे और समझदार लोग हैं उनको पता है खा पंचायत क्या है और खा पंचायत में प्रधान कौन है। कोई भी बांध के खंडवा यार चला जाएगा, वो खा पंचायत हो जाएगा, इसलिए ये उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। राठी जी, बताइए आप किन किन इश्यूज पे चुनाव लड़ेंगे? आपकी टिकट घोषित कर दी गई है आज दिल्ली की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है नवीन भाई और गुप्ता जी, और हम मिलके दिल्ली की तरफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की तरफ पे इश्यूज क्या होंगे? हांसी को जिला बनाने का अपने पे रहा सारा, कोई किला बेचने की तैयारी में है तो कोई प्लाट काट गया मेम का बाग में खोच लेंगे, उल्टा स्कूल बनाओगे सरकारी। नहीं, कौन बेचने की तैयारी में है किला जी? आपने बेरा है जिसने तगा, जिसने प्लाट काट दिया। पहले कांग्रेस नेता था, आज बीजेपी नेता है। उस नेता ने पहले हांसी के अंदर नाश कर दिया, खा गया सारी हांसी ने, किराया भी खा गया ट्रकों का, और ये रानी का बाग सारी दुनिया के सामने है। प्रत्याशी होके नाम लेने में क्यों कांग्रेस कर रहे हैं? सामान तो अभी ऐसे है, नाम भी लेंगे और थोक के प्लाट भी अपना रानी वाला बाग भी उल्टा खोसेंगे ना। आप में गुर्दा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे, मुखातिब हूँ आज से कि आज एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम यह जो जो चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। आज हांसी ने, आम आदमी पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी डिक्लेयर किया, मनोज राठी, जो कि जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। आज एसडी महिला कॉलेज के सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद और जिला अध्यक्ष विक्रांत गोयल, जो काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता है, वहां पर उन्होंने कहा, सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश को
भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और मनोज राठी को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करते हैं। मनोज राठी के पहले नारनौल में एक प्रत्याशी डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया कि हमने कुल पहले चरण में 12 प्रत्याशी डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद 12-12 करके पूरे के पूरे 90 हलकों में हम अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे। साथ ही सुशील गुप्ता ने कहा कि इस बार हम ना किसी की बैसाखी बनेंगे, ना किसी को बैसाखी अपनी बनने देंगे और सभी प्रत्याशी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी यानी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में तेल देंगे और उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं राजीव बंसल एक रिपोर्ट के साथ, देखिएगा, जुड़े रहिएगा आपका प्रिय चैनल हांसी की आवाज़, जो आपको निरंतर ताज़ा